मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख के खेल मिजोरी, घोले जीवन अपना मुख, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर गन में ओंजल हो शशि, फिर शशि से ओंजल हो गए। धन्यवाद। जगत की उत्पत्ति कवि पुष्पेंद्र उपाध्याय की कविता शस्त्र उठा लो द्रौपदी अब कृष्ण ना आएंगे कहना चाहती हूँ। इस कविता में कवि ने स्त्रियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा है कि समय आ गया है उन्हें इनका जवाब पत्थर से देना होगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। सुनिए यह कविता। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, गुथी अपना चीर बचा लो, शतरंज बिछाए बैठे शकुनी मस्तक सब फिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब कृष्ण ना आएंगे। इस युग में कृष्ण का इंतजार ना करो द्रौपदी, घोर कलयुग की है ये 21वीं सदी। यहाँ तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी, आंसू से नहीं अंगारों से अपनी आंखें भरनी होगी। कृष्ण की वेश में दुशासन घात लगाए बच्चे हैं, जिनसे आशा है तुमको ईमान बेचकर बच्चे हैं। लज्जाइनों की ये सभा लाज यहाँ ना बच सकती। शस्त्र उठा लो द्रौपदी नहीं और कुछ कर सकती। प्यारी अम्मा मेरी मीठे मीठे गीत सुनाती, ताजा ताजा दूध पिलाती, तारे तारे का खाना देती, मेरी सारी बातें सुनती, अच्छी अच्छी सीखें देती, संग सुलाती, सुबह जगाती, कितनी प्यारी अम्मा मेरी। हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ, जिसमें आए दिन दौड़ती रहती थी बेधड़क, बिना किसी हरी लाल पत्ती के हम लोगों की चुक चुक चक चक। पिता के बाद हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ, अचानक नहीं टूटी, धीरे धीरे टूटती रही, हम देखते रहे और मानते रहे कि बूढ़ा रही। बादल बहुत बारिश लिए थे, फिर भी बहुत सारा पानी उन्हें बचा हुआ था। मैं गेतुम जंगलों से होकर छाई हुए देख सारे आकाश में मेघों से बारा था, मेघों की छायाओं की गीली हवाएं इधर उधर घूम रही थी, पेड़ों के तारे अभी भी गीले थे, मुख फिलियम की हरे गेतुम के पीले फूल भी अभी गीले थे, गेलम की छोटा छोटा बचारा हुआ था, बचरम के लंबे पचले पातों के पानी। नमस्कार बच्चों, आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत के अधिकतर क्षेत्रों में ज़्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी, इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का। इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागिणी बजती क्यों, हाहाकार स्वरूप में वेदना सीमक जती, मानस सागर के तड़ पर क्यों लोल लहर की घाते, कल कल ध्वनि से है कहती कुछ विस्मृत भीति भाते। बिना प्रयास कभी सफलते नहीं मिलती और सच्चे प्रयास कभी असफल नहीं होते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। निकल आया हूँ परिंदों के पिंजरे से, बस आप परिंदों के दिमाग से पिंजरा निकलना बाकी है। बी आर अम्बेडकर। एकता की जान है, हिंदी देश का शान है। नमस्कार, सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी एक जानदार भाषा है, वह तो जितनी बढ़ेगी देश को उतना ही लाभ होगा। जवाहरलाल नेहरू। धन्यवाद। सभी को नमस्कार, मैं मीता
छठी कक्षा में पढ़ रही हूँ। आज मैं यहाँ सुभद्र कुमारी चौहान की एक कविता मेरे नया बचपन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता में बचपन को यादों व बाल सुलभ चंचलता को व सरल व सहज रूप से दर्शी गया है। कवित्री स्वयं भी अपने को बाल्यकाल की उस सबूत अवस्था के रूप में देखती है। सुने मेरे नया बचपन। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरे, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित गेलना गाना व फिर ना निर्भय स्वच्छत, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था जो आचूत किसने जाने, बनी हुई थी वहां चोन प्रिया और चित्रों में रानी। किए दूत के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी कल्लोल मचाकर सुना घर आबाद किया। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद का दे दे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाले पहनाते थे। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यदा मिटाने वाले वह अपनी प्राकृत विश्रांति। धन्यवाद।